सी पार्ट 52 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 के जी। अभी अभी आपने सीखा कि के का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। तो आप यहाँ के की जगह सबसे पहले लिखोगे 10 की पावर 3, 52 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। के की वैल्यू को ख़त्म करना है, 10 की पावर 3 लिख देना है। फिर आप लोगों ने 52 को पॉइंट्स में चेंज करने, आपने सिंगल डिजिट में वैल्यूज़ लिखनी है, ये डबल डिजिट है, डबल डिजिट में वैल्यू नहीं लिखनी। अगर इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना चाहती हैं तो आप 5 के बाद यहाँ पॉइंट लेके आओगे। अगर 5 के बाद यहाँ पॉइंट लेके आना है तो आपको इसको 10 के ऊपर डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये वाली वैल्यू 10 पे डिवाइड हो जाएगी तो ये 5.2 बन जाएगी। 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर माइनस 10, 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। अब ये जितनी भी 10 हैं इनकी पावर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। आपको 3 दफ़ा 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ 1 दफ़ा 10 लिखोगे और ये सारी की सारी पावर्स को इकट्ठा कर दोगे। 1 माइनस 10 प्लस 3 ग्राम। माइनस 10 और प्लस 3 और प्लस 1 कैलकुलेटर पे कर लें या खुद अपने जहन से इसको कर लें। 10 में से 3 माइनस हुए तो -7, -7 में 1 किया तो आ गया -6। और प्रीफिक्सेस में 10 की पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो, ये माइक्रो का निशान है यू की तरह का। तो आपका आंसर आ जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम। ओके।